A light of wavelength 6,000 angstrom, ठीक है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6,000 एंगस्ट्रॉम फॉल नॉर्मली ऑन अ थिन वैज शेप्ड फिल्म ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 फॉर्मिंग द फ्रिंजेस दैट आर 2.0 mm अपार्ट, फाइंड द एंगल ऑफ वैज इन सेकेंड. तो क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद इसको करना स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन हमें जो जो गिवन है मैं वो लिख देती हूँ, फिर आप बताइएगा हमें क्या निकालना है. वेवलेंथ दिया है लैम्डा 6,000 एंगस्ट्रॉम, और म्यू गिवन है 1.4, फिर ये क्या दिया है मुझे ये बताइए, 2.0 mm अपार्ट क्या दिया है ये, थिकनेस थिकनेस नहीं थिकनेस नहीं दी है, रेडियस नहीं, फॉर्मिंग ऑफ फ्रिंजेस दैट आर 2 mm अपार्ट, हम दोनों फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन, यानी कि फ्रिंज विड्थ दिया है, ठीक है. तो W दिया है 2.0 mm. फाइंड द एंगल ऑफ वेज, वेज एंगल हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से. तो क्या करना है हमें, थीटा फाइंड करना है और सेकंड्स में फाइंड करना है. तो पहले तो सिंपल थीटा फाइंड कर ही लेते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द फ्रिंज विड्थ वैज शेप्ड का क्वेश्चन है और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं. फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू लैम्डा यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट करके बताइए. सिद्धार्थ तो कर रहा है, तो आप मुझे आनंद बताएंगे. आनंद. यस मैम. हाँ बताइए आनंद. 1.1 × 10⁻³. 1.1 × 10⁻⁴ आना है. देखिए गलती कर दी ना, क्या गलती की है चलिए बताते हैं. ये हो गया हमारा 6,000 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर. ये हमारा हो जाएगा 0.020 सेंटीमीटर. ये आपने यूनिट चेंज नहीं की होगी, तो 6,000 आपने मतलब W की यूनिट चेंज नहीं की है. इसका मतलब ये है 10⁻⁸ सेंटीमीटर अपॉन 2. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे 1.4 है ना. मैम वहाँ पे -10 होगा ना एंगस्ट्रॉम का. आर्मस्ट्रॉन्ग को ही मिलीमीटर में बदल दिया. अच्छा तो मिलीमीटर में आंसर बता रहे हो तुम मुझे. मैम आंसर ये आ रहा है 1.071 × 10⁻⁴. हाँ माइनस फोर आ रहा है. यस मैम. यस मैम. 1.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर. तो ये आपका आ रहा होगा 1.1 है ना, 10⁻⁴. यस मैम. 1.1 × 10⁻⁴. ये हमारा आ गया रेडियन में, ठीक है. अब रेडियन को हमें आंसर चाहिए किसमें, सेकंड्स में चाहिए. तो रेडियन को पहले आप डिग्री पाई बाय 180 बाय पाए है ना, हमें रेडियन को चेंज करना है, डिग्री को चेंज नहीं करना. तो यहाँ पे आप करेंगे 180 अपॉन पाई या 3.14, तो ये आपका डिग्री में आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है. फिर 1 डिग्री इक्वल टू आपको सेकंड्स में आंसर चाहिए, तो 3600 सेकंड होता है 1 डिग्री इक्वल टू. तो फिर थीटा आपका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है. तो पहले इसको डिग्री में कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको सेकंड्स में कैलकुलेट कर लीजिए.
मैम 63 सेकंड। 63 सेकंड्स थोड़ी है, सेकंड्स भी गलत बता रहे हो और अगर डिग्री बता रहे हो तो भी गलत बता रहे हो। आएगा 0.0063 डिग्री और सेकंड्स में है ये 22.68 सेकंड्स। हाँ मैम डिग्री में मैम मैंने वो नहीं किया था मैम इनटू 10 की। आपने 10 की पावर यूज नहीं किया उसमें ना। यस मैम। ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बैच शिफ्ट का है। इस वाले में हमें वैल्यूज गिवन थी, लैम्डा दिया था, म्यू दिया था, फ्रिंज विड्थ दी थी, तो थीटा कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थीटा गिवन है और लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है तो सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा। अ वैस्ट एयर फिल्म हैव एन एंगल ऑफ 40 सेकंड्स इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड फ्रिंज आर ऑब्जर्व वर्टिकली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इज 0.12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो यहाँ पर हमें लैम्डा गिवन है, डब्ल्यू गिवन है और म्यू नहीं गिवन है, तो एयर ले लेते हैं। म्यू एयर हो जाएगा, वन हो जाएगा और आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है तो करना स्टार्ट करिए। मैं लिख देती हूँ क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है हमारा। थीटा गिवन है 40 सेकेंड्स। ठीक है फिर हमारा डब्ल्यू गिवन है 0.12 सेंटीमीटर। म्यू एयर के लिए 1 ले लेते हैं और हमें पता भी है ये फॉर्मूला भी नो। फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा और हमें लैम्डा हो जाएगा 2 म्यू थीटा W। तो यहाँ पर थीटा सेकंड्स में दिया है और लैम्डा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको थीटा की वैल्यू रेडियन में रखनी होगी। तो पहले इस थीटा को सेकंड्स से रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में हो जाएगा। ठीक है यानी कि ये हमारा कितना आएगा 1/90 आएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा ये 1/0.0019। तो डिग्री में 0.01 हाँ ये आ रहा है 1.94 × 10⁻⁴। ठीक है आप 0.00 करके बोल रहे हो तो ठीक आ रहा है अगर आपने 3 0 लिखे हैं। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. 0.0019. हाँ, 0.0019 रेडियन। तो अब इस रेडियन को लैम्डा में रख दीजिए। ये सारी वैल्यूज हमें पता है। 2 म्यू की वैल्यू 1, थीटा 1.94 × 10⁻⁴, डब्ल्यू हमें दिया है 0.12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लैम्डा सेंटीमीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर और लैम्डा हो जाएगा 4656 एंगस्ट्रॉम। चलिए तो सबके हो गए हैं वैश शिफ्ट के। अब हम न्यूटन रिंग का करेंगे। तो न्यूटन रिंग का एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगी, बाकी फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि उसके आंसर बताओ। ठीक है तो न्यूटन रिंग स्टार्ट करते हैं। और न्यूटन रिंग में मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो डार्क रिंग के लिए ही आते हैं या फिर जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था लैम्डा या म्यू का हम उनको यूज करके कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूटन रिंग आर ऑब्जर्व नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग इज 0.50 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द लेंस ऑफ द लेंस एंड थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो हमें
कैपिटल आर और स्मॉल टी पूछा है, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। पहले गिवन है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, फिर डायमीटर दिया है टी 10 का 0.50 सेंटीमीटर, तो एक तरीके से एन हमें पता है 10 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है, हमें कैपिटल आर और टी फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट डी एन बी द डायमीटर, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसको करना स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी मैं बस फॉर्मूला लिख रही हूँ, उसके बाद इसको फिर करते हैं। लेट डी एन बी द डायमीटर ऑफ एनथ डार्क रिंग, तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू, चाहे तो अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन लैम्डा आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी एन स्क्वायर अपॉन 4n लैम्डा। तो सारी वैल्यूज गिवन है, कैपिटल आर आ जाएगा आपका 1.04 1.04 10 to the minus 5 minus 8 plus 5 होगा minus 5 नहीं होगा मैम 4। बस अब मैं कह रही हूँ ना, आप लोग अपने कैलकुलेशन चेक करिए, आर आ रहा है 1, अगर मैं कैलकुलेटर में यही वैल्यूज रखूं तो मेरा आ रहा है 1.04 17 into 10 to the power 2। और अगर मैं 6 सेंटीमीटर, ये आंसर है। यस मैम, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कराया था, द थिकनेस टी ऑफ द फिल्म न्यूटन्स रिंग के अंदर इज गिवन बाय T इक्वल टू मैंने लिखा था आर एन स्क्वेयर अपॉन 2R, और अगर इसको डायमीटर के टर्म्स में लिखें तो डी एन अपॉन 8R, है ना। तो यहाँ पे डी एन की वैल्यू रख दीजिए 0.50 स्क्वेयर अपॉन 8R, आपने कैलकुलेट कर ही लिया, आपका ही आ जाएगा। मतलब सामने वैल्यूज रखी हुई है तो भी पावर में गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, ऐसे नहीं काम चलेगा मैम। ये कैलकुलेटर यूज करिए, कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे तो फिर आंसर कितना आ रहा है, 3 into 10 to the power minus 4 centimeter। हाँ ठीक है, ठीक है, 3 into 10 to the power minus 4 centimeter। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज आपसे कैलकुलेट कराई है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप ही मुझे बताएंगे कि कौन से फॉर्मूला यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व बाय कीपिंग अ स्पेरिकल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ अ प्लेन ग्लास प्लेट। तो यहाँ पर हमें कैपिटल आर गिवन है ये, ठीक है, किस स्पेयर का, ये हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है। इफ द डायमीटर ऑफ 15 ब्राइट रिंग इज 0.590 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग इज 0.336 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन कैपिटल आर गिवन है 100 सेंटीमीटर, डी 15 गिवन है 0.590 सेंटीमीटर, डी 5 गिवन है 0.336 सेंटीमीटर, और आपको लैम्डा फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और लैम्डा कैसे निकालेंगे, फाइंड लैम्डा, ठीक है। और कैलकुलेशन में दिक्कत है तो उसके लिए यही है, आप अपना कैलकुलेटर लेके मेरे पास आइएगा और फिर मेरे सामने वैल्यूज रखिएगा, फिर देखेंगे क्या गलती करते हैं आप लोग। मैं फिर बताऊंगी,
ठीक है, नहीं तो तरीका यही है कि ऊपर वाला टर्म एक साथ कैलकुलेट कर लो, नीचे वाला एक साथ कर लो और फिर उसको डिवाइड कर लो, या तो ये करो, और अगर पूरा मेरे जैसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो फिर ब्रैकेट यूज करो कि पहले वाले के लिए ब्रैकेट यूज करो, फिर डिवाइड करो, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर वो सारी टर्म्स लिखो, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा फिर। ठीक है, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन का लैम्डा मुझे बताइए कितना आएगा। पहले तो ये बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। प्रैक्टिकल में भी है लैम्डा इक्वल से। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें dn दिया है तो p भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना रखूं, D15 है मैं ये। हाँ D15 है और D5 है, तो P कितना रखूं, दोनों का डिफरेंस टेन हो जाएगा। तो बस अब वैल्यूज रखिए, आंसर आ जाएगा D15 प्लस P कितना दे रखा है, यानी D15। अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया D15 D5 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 इंटू R, और यहाँ से D15 हमें दे रखा है 0.590 स्क्वायर माइनस 5 दे रखा है 0.3। हाँ प्लस पी ऐसे के dn प्लस p का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, ठीक है, अपॉन p, ये इसके साथ होता है dn प्लस p, ये पूरा एक साथ है n प्लस p, है ना, n प्लस p कोई तो हमने छुट्टी लिखा है, फिर 4 10 और आर 100 सेंटीमीटर। यस मैम, बताइए मैम, लैम्डा आएगा 5880 आर्मस्ट्रांग। अब ठीक आया, ये आएगा 5.88 इनटू 10^-5 सेंटीमीटर। यस मैम, 5.8 इनटू 10^-3। 0.05 इनटू 10^-3। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे कैलकुलेशन ठीक होनी स्टार्ट होंगे, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ही ठीक होगा, जितना वैल्यूज रख के करोगे। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरपोजिशन या ओवरलैपिंग का है। अ न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट इज यूज विद द सोर्स एमिटिंग टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 4500 एंगस्ट्रॉम। इट इज फाउंड दैट एन nth dark ring due to lambda 1 coincide with n plus 1 dark ring due to lambda 2. If the radius of curvature of curved surface is 90 cm, find the diameter of nth dark ring. ठीक है, तो इसको करना स्टार्ट करिए। यहाँ पर जैसे हमने थिन फिल्म के अंदर दो फ्रिंजेस का सुपरपोजिशन से जब अलग अलग वेवलेंथ थी वहां से n कैलकुलेट करके फिर थिकनेस कैलकुलेट की थी, सेम उसी तरीके का है यहाँ पे। टू वेवलेंथ्स हैं, दोनों एक दूसरे पे कह लीजिए कॉन्साइड कर रही हैं, एक का ऑर्डर n है, एक का n प्लस 1 ऑर्डर है, और हमें dn कैलकुलेट करना है लैम्डा 1 के लिए। पहले तो ये बताइए n कितना आएगा, किसी ने कैलकुलेट 3। हाँ 3, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, कौन बोल रहा है, मैम। अच्छा आरजी, चलिए ठीक, कैलकुलेट किया है तुमने। एन 3 आएगा, फिर dn कैलकुलेट करिए। चलिए तो इतने जहां तक आरजी ने कैलकुलेट कर लिया है वहां तक हम चलते हैं। ठीक है, इतने डायमीटर कैलकुलेट करके बताइए। तो क्या कह रहे हैं हम, लेट डी एन एंड डी एन प्लस 1 बी द डायमीटर, बी द डायमीटर ड्यू टू वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 रिस्पेक्टिवली। तो टी एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा
फोर एन लैम्डा वन आर अपॉन म्यू एन डी एन प्लस वन स्क्वेयर. फर्स्ट वेव लेंथ के लिए हो गया, उसके लिए nth ऑर्डर है. सेकेंड वेव लेंथ के लिए n प्लस वनth ऑर्डर है. तो ये हो जाएगा 4 n प्लस 1 4 n प्लस 1 लैम्डा 2 r अपॉन म्यू. कौन साइड कर रहे हैं तो यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. तो 4 n लैम्डा 1 r अपॉन म्यू अकॉर्डिंग टू जो हमारा गिवन प्रॉब्लम है इक्वल टू 4 n प्लस 1 लैम्डा 2 r अपॉन म्यू. तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाँ पता ही कितना आ रहा है डायमीटर मैम. यस 4500 into 10 to the power minus 8. अच्छा मैम डायमीटर. हाँ एंड सॉरी बता रहा मैम मेरा आया 0.504 सेंटीमीटर रेडियस. रेडियस क्यों कैलकुलेट कर रही हो? रेडियस तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में. अच्छा तुमने अच्छा डायमीटर ही पूछा है तो उसको ट्वाइस कर दो. ओके मैम रेडियस को पूछा ही नहीं है, कैपिटल डी पूछा है. तो एम जो वैल्यूज रखोगे यहाँ पे लैम्डा टू है हमारा 4500 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. लैम्डा वन है हमारा 6000 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. लैम्डा टू है 4500 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. सॉल्व करोगे ये 3 आ रहा है. तो अब n की वैल्यू dn में कैलकुलेट कर लीजिए, dn स्क्वायर में रख लीजिए यहाँ पे कितना जाएगा 4 into 90 into 3 into 6000 into 10 to the power minus 8. 8 तो मैम 648 कैपिटल r गिवन है यहाँ पे 90. यस मैम 90 और μ हम 1 ले लेंगे एयर के केस में. तो ये dn आ जाएगा आपका और dn स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो dn आ जाएगा. यस मैम आ गया मैम dn स्क्वायर है 648 into 10 to the power minus 4 कितना रहा है 648 into 10 to the power minus 4. अच्छा ये आ रहा है 2.543 into 10 to power minus 1 और 0.2543 ये आ रहा है. ठीक है तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इसको फिर करना स्टार्ट करिए इतने में अटेंडेंस लूंगी. ठीक है न्यूटन रिंग अरेंजमेंट विन अ थिन ऑब्जर्व फिल्म ऑब्जर्व विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ सक्सेसिव रिंग आर 0.125 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट विल हैपन टू दिस क्वांटिटी इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज फ्रॉम 4500 एंगस्ट्रॉम. अगर 6000 एंगस्ट्रॉम से 4500 एंगस्ट्रॉम चेंज किया जाए तो इस जो डायमीटर का हमें डिफरेंस दिया है उसमें क्या फर्क पड़ेगा. अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 इंट्रोड्यूस बिटवीन द लेंस एंड प्लेट. अगर हम कोई लिक्विड ऐड कर दे तो डायमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा. एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज डबल. अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने जो भी था उसका आर उसको डबल वाले लेंस से रिप्लेस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा. तो ये 3 पार्ट है, इनको नोट डाउन करिए फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे. ठीक है फिर हमारा न्यूटन रिंग कंप्लीट होगा और या इंटरफेरेंस कंप्लीट होगा और कल से हम फिर डिफ्रेक्शन स्टार्ट कर देंगे. ठीक है इसके आंसर किसी ने निकाले मुझे बताएगा कोई कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है सेकंड का कितना है थर्ड का कितना है. चले तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ क्या करेंगे. पहले जनरल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर वो तीनों केस के लिए बना देंगे. वी हैव द फॉर्मूला दो डायमीटर्स का डिफरेंस दिया होता है तो डी n प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर इक्वल टू 4 पी लैम्डा आर अपॉन
म्यू और सक्सेसिव रिंग्स के लिए और सक्सेसिव रिंग्स के लिए पी वन होगा. और सक्सेसिव रिंग पी इक्वल टू वन. ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एन प्लस वन स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर और फोर लैम्डा आर अपॉन म्यू. एक इक्वेशन बन गई. अब इसको आप तीनों केस के लिए कर सकते हैं. देखिए पहले केस में क्या होगा, डी मतलब इसको फर्स्ट केस ब्रैकेट में लिख सकते हैं या एक को डी एन ले लेंगे एक को डी एन डैश ले लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे, लैम्डा चेंज कर रहे हैं, लैम्डा वन और लैम्डा टू चेंज हो रही है, लैम्डा वन से लैम्डा टू हो रहा है. तो एक बार फॉर्मूला लैम्डा वन के लिए ले लेंगे, एक बार फॉर्मूला लैम्डा टू के लिए ले लेंगे और फिर उनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डी एन आ जाएगा, डी एन प्लस वन स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर डैश यानी न्यू जो चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ले लेंगे, एक बार एयर के लिए ले लेंगे एक बार लिक्विड के लिए ले लेंगे, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. थर्ड वाले केस में लैम्डा और म्यू कांस्टेंट रखेंगे और आर एक बार आर वन के लिए ले लेंगे एक बार आर टू के लिए ले लेंगे, फिर इनका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, ठीक है, इस फॉर्मूले में तो ये फॉर्मूला बन के आएगा जब हम वेवलेंथ को चेंज कर रहे हैं. वेवलेंथ को चेंज कहाँ से कर रहे हैं, फर्स्ट केस में बैन वेवलेंथ इज चेंज्ड फ्रॉम लैम्डा वन टू लैम्डा टू. ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डी एन, इनका रेशो निकालेंगे आप पहले अलग अलग लिखिएगा फिर उनका रेशो निकालिएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे उससे. मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ डी एन प्लस पी डैश स्क्वेयर माइनस डी एन डैश स्क्वेयर अपॉन डी एन प्लस वन स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर आर म्यू कॉन्स्टेंट रहेंगे तीनों में, दोनों में सेम रहेंगे कट जाएंगे, लैम्डा और लैम्डा वन और लैम्डा टू रह जाएगा. तो ऊपर डैश वाला है तो लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन. तो यहाँ से हमारा ये डिफरेंस आ गया डैश स्क्वेयर माइनस डी एन डैश स्क्वेयर इक्वल टू डी एन प्लस वन स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर मल्टीप्लाई लैम्डा बाय टू अपॉन लैम्डा वन. ठीक है, यहाँ से आपका नया डायमीटर आ जाएगा. ये वैल्यू आ रही है आपकी, आंसर नोट कर लीजिए, 0.0937 सेंटीमीटर. सेकेंड केस में सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार एयर लेंगे और एक बार लिक्विड लेंगे और लैम्डा दोनों में फिर हम कॉमन रखेंगे, लैम्डा ही रखेंगे, आर भी कांस्टेंट रहेगा, तब हम दोनों का रेशो निकालेंगे. तो सेकेंड वाले पार्ट में हमारा म्यू इक्वल टू हो जाएगा डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर किसके लिए, एयर वाला केस, और दूसरा डी एन प्लस पी डैश स्क्वेयर माइनस डी एन डैश स्क्वेयर लिक्विड का. इन दोनों में हमें क्या चाहिए, हमें डी एन प्लस पी डैश स्क्वेयर माइनस डी एन डैश स्क्वेयर लिक्विड चाहिए. तो वहां से म्यू से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको यहां से ना. ये इधर जाएगा लेफ्ट में, ये राइट में आ जाएगा, एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वेयर एयर अपॉन म्यू. तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 0.094 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक है, और लास्ट वाले केस में आप रेडियस को डबल करेंगे तो फॉर्मूला बन के आएगा डी वन डैश स्क्वेयर माइनस डी एन डैश स्क्वेयर अपॉन डी एन प्लस वन स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर इक्वल टू आर वन अपॉन आर. और क्वेश्चन में दिया है कि आर वन या इसको आर वन अपॉन आर टू कर सकते हैं, है ना, तो आर टू दिया है ट्वाइस ऑफ आर वन.
ठीक है, तो यहाँ से डी एन प्लस वन डैश स्क्वेयर माइनस डी एन डैश स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी एन प्लस वन स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हमारी कैलकुलेट होके आती है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जो हमारा मैं प्रीवियस स्लाइड कर रही हूँ, इस स्लाइड में ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन वन को हर एक केस में दो दो बार लिखना है, एक पहला पार्ट और दूसरा जो हमें कंडीशन चेंज करके दूसरा कैलकुलेट किया है। तो उसको अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उनका रेशो निकाल लीजिए और रेशो से हमारा न्यू डायमीटर का जो डिफरेंस है, टू सक्सेसिव डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस है, वो हमें मिलता जाएगा। क्वेश्चन है, स्कोर कर लीजिए। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ फोर्थ एंड ट्वेल्थ रिंग इज 0.4 सेंटीमीटर एंड 0.7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायमीटर ऑफ 20th रिंग।